मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ होने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है जो इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइथ पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का मतलब क्या है, आज हम इस बात बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाला, तो आप उसे देख लें, ठीक है। अब यहाँ पास हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, और ऐसे करते करते हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पास आप जो देख रहे हैं ये एन पार्टिकल का एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ हर पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R1, R2 और R3, ठीक है। अब हर पार्टिकल, जैसे फर्स्ट पार्टिकल की बात अगर आप करें, तो फर्स्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब वो यहाँ वहाँ हो सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्टिकल को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टिकल, और ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ आ गया, तो इसकी जो पोजीशन है, तो इसकी जो पोजीशन है ए से लेके बी तक चली गई, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। अब देखिए, हम ये मान रहे हैं कि ए से लेके बी तक जो चेंज इन पोजीशन है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो ए पे उसका पोजीशन वेक्टर था R1, और बी पे इसका पोजीशन वेक्टर हमको R1 में कोई वेरी स्मॉल वेक्टर जोड़ने पे हमको मिलता है बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है जो, वो है ए बी। क्या है दोस्तों? ए बी, ये है इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, और इसी को कहते हैं डेल्टा आर। मगर इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखिए, अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो इसके हिसाब से ये होता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर एक वेक्टर ये है ए और ये है एक वेक्टर ये बी, ठीक है। तो ये जो होगा, अगर ए और बी को जोड़ें तो आपको ये वाली साइड मिलेगी, और इसका डायरेक्शन उल्टा होगा और ये होगी ए प्लस बी, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है। इस ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम ऊपर वाले ट्रेंगल पे अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या है कि ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको ये वाला वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको ओ ए और ए बी को जोड़ रहे हैं, ओ ए और ए बी को जोड़ रहे हैं, तो हमको मिलेगा ओ बी, ठीक है। और ए बी को यहाँ यहाँ का यहीं रखें और ओ ए को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो हमको इतना मिल जाएगा। यहाँ पास ओ बी की वैल्यू को पुट करेंगे और ओ ए की वैल्यू को पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा और बचेगा इतना। इसको कहते हैं इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, क्योंकि हम फर्स्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की बात, तो इसको कहेंगे हम डेल्टा R1। अगर हम सेकेंड पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की, तो उसको कहते हैं डेल्टा R2। और अगर थर्ड पार्टिकल की इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसे कहते हैं डेल्टा RI, ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो आपके काम जरूर आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, ओके, बाय, सी यू लेटर।